जय जय श्री राधे। प्रिय साधकों, इस दुर्लभ आध्यात्मिक लेख को हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divyagyans.com पर भी जा सकते हैं। परम श्रद्धे स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, लोग मन को रोकने के लिए बहुत मेहनत करते हैं पर मन रुकता नहीं। मन को रोकना नहीं है, मन को न तो रोकना है और न चलाना है। मन जैसा है वैसा ही छोड़ दो, उसकी उपेक्षा कर दो, उदासीन हो जाओ, फिर संकल्प विकल्प आपसे आप मिट जाएंगे। वे तो आपसे आप ही मिट रहे हैं, जानबूझकर उनको मिटाने की आफत क्यों मोल लेते हो? उनको मिटाने की चेष्टा करना ही उनको सत्ता देना है। भगवान ने गीता जी में अपनी तरफ से कहीं ऐसा नहीं कहा कि मन को वश में करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। प्रत्युत गीता जी 6:25 में शनय शनय रूपमेत पदों से उपराम होने के लिए कहा है। मन को पकड़ने के विषय में अर्जुन के पूछने पर ही भगवान ने उनको बताया कि अभ्यास और वैराग्य से यह मन पकड़ा जाता है। गीता जी 6:33-35 तक अर्जुन ने 2 श्लोकों में प्रश्न किया और भगवान ने 2 श्लोकों में ही उत्तर दे दिया। इतना थोड़ा भगवान किसी प्रश्न के उत्तर में बोले ही नहीं। 2 श्लोकों में भी भगवान ने केवल आधे श्लोक में ही उत्तर दिया और आधे श्लोक में अर्जुन की बात का समर्थन किया। फिर भगवान ने बताया कि मन को पकड़ने मात्र से मुक्ति नहीं होती, मन को वश में करना चाहिए। गीता जी 6:36 में आता है, असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मते, वश्यात्मना तो यतता शक्यो अवाप्त मुपायत है। जिसका मन वश में नहीं है वो श्रृंखल है, अर्थात सांसारिक भोगों में जिसकी रुचि है उसके द्वारा योग प्राप्त करना कठिन है। परंतु जिसका मन वश में है ऐसे यत्न करने वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है। मन को वश में करने का अर्थ यह नहीं है कि मन को मैं पकड़ लूँ, एकाग्र कर लूँ। मन के वश में न होना ही मन को वश में करना है। इसी तरह भगवान ने इंद्रियों के तथा राग द्वेष के वश में न होने की बात कही है। गीता जी 2:64 तथा 3:34। वश में न होने का अर्थ है कि उसके कहने के अनुसार काम न करें और उसकी दशा देखकर चिंतित न हों। वह ज्यों बहता है त्यों बहता रहे, स्वयं उससे अलग रहें, तटस्थ रहें। वास्तव में आप उससे तटस्थ ही हो, आप उसके साथ रहते नहीं हो। वह तो बदलता है पर आप नहीं बदलते हो, आप बिल्कुल उससे अलग हो। इस तरह उसको अपने से अलग जानना है। मन के चंचल होने से आपका क्या बिगड़ गया? आप तो ज्यों के त्यों हो और वह बह रहा है। यह भी एक तमाशा है। मन को ठीक करने में कई वर्ष लग जाते हैं पर ठीक होता नहीं। ठीक कैसे हो? वह ठीक होने वाला है ही नहीं। आप तो उल्टे बस उसको बल देते हो, उसको चंचल बनाते हो और कहते हो कि मन को रोकते हैं। संसार को याद करते हो और कहते हो कि भगवान का पूरा भजन ध्यान करते हैं। एकांत में घंटा भर बैठे तो उसमें कितनी देर भगवान याद आए? भगवान को तो याद करना पड़ता है पर संसार आपसे आप याद आता है। इस विषय में एक बात बड़ी शांति से समझने की है कि जो आपसे आप याद आता है उसकी आप पर जिम्मेवारी नहीं होती। अतः जो आपसे आप याद आता है उसमें मुफ्त में ही क्यों उलझते हो? स्फुरणा आपसे आप उत्पन्न होती है और आपसे आप शांत हो जाती है, आप क्यों आफत में पड़ते हो? मनुष्य की जिम्मेवारी करने पर होती है, जिसको आप करते ही नहीं। प्रत्युत जो आपसे आप होता है उसकी जिम्मेवारी आप पर नहीं है। आप जवान से बूढ़े हो गए तो क्या आप पर इसकी जिम्मेवारी है कि आप बूढ़े क्यों हो गए, आपने गलती क्यों की? ऐसे ही आप संसार को याद नहीं करते पर संसार आपसे आप याद आता है, तो इसकी जिम्मेवारी आप पर नहीं है। इसलिए आप अपनी तरफ से कुछ भी चिंतन न करें। गीता जी 6:25 में आता है, न किंचिदपि चिंतित, चिंतन आ जाए तो है जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा, आप उसमें कुछ दखल न करें। यह बहुत ही बढ़िया युक्ति है। आपके विश्वास के लिए कहता हूँ कि हमारे को तो यह युक्ति बहुत वर्षों के बाद मिली है।
आप तो इस युक्ति को अभी ही काम में ले लो, मन की उपेक्षा कर दो, बस आप ठीक ठिकाने आ गए। मन के साथ मिलकर उसको एकाग्र करने की चेष्टा करना इतना बढ़िया उपाय नहीं है, कारण कि ऐसा करने से उसको सत्ता मिलेगी, उसको महत्व मिलेगा। जो है ही नहीं उसको मिटाने की चेष्टा करने का अर्थ है उसको है मानना। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। और अब प्रेम पूर्वक बोलिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।